और देहरादून में हाउस टैक्स जमा न करने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टैक्स न भरने वालों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि नोटिस के बाद भी टैक्स जमा न करने वालों से 4 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स जमा न करने वाले भवन स्वामियों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। नोटिस या मैसेज के बाद भी अगर टैक्स जमा नहीं किया गया तो ऐसे संपत्तियों की सूचना शून्य मानते हुए 4 गुना जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि वर्तमान में देहरादून नगर निगम 8 वार्डों में लगभग 10,000 ऐसे भवन को चिन्हित किए हैं जिनके द्वारा अभी तक अपने भवन कर संबंधी विवरण नगर निगम कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है। नगर निगम अन्य वार्डों में भी हाउस टैक्स नहीं भरने वालों को चिन्हित कर रहा है। उधर जिन लोगों ने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया है वही निगम के भवन कर अनुरोध ने नोटिस भेजने शुरू भी कर दिए हैं। उन्हें सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैसेज भेजे जा रहे हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा ऐसे प्रॉपर्टीज का चिन्हीकरण किया गया है जिनके द्वारा वर्तमान तक भी सेल्फ असेसमेंट फॉर्म को ही नहीं भरा गया है, और ऐसे में एक तो वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं, दूसरा वो अपने सेल्फ असेसमेंट की सूचना भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ का चिन्हीकरण करके उनको नोटिस जारी करने की कार्रवाई गतिमान में लाई गई है।